तो लिख लेना इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, और वैसे भी कंपटीशन या न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये फ्रिंजेस क्या होती हैं? नॉर्मली क्या होता है कि जब YDSC होता है तो स्क्रीन के ऊपर बैंड्स बनते हैं, कलर के, मींस ब्राइट बैंड, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ब्राइट बैंड है, जहाँ डिस्ट्रक्टिव है वहाँ डार्क है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे उसको बैंड नहीं बोलते। इसमें क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ये एक्सपेरिमेंट या ये मैथमेटिकल पोर्शन आपको क्या करवाने जा रहा है, ये बताने जा रहा है कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं ए एंड बी, और मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के पी पॉइंट पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं क्या होगा, डिपेंड करता है कि क्रेस्ट टेस्ट पे या क्रेस्ट ट्रफ पे कैसे भी इंटरफेयर करेगा। हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ पांचवा मैक्सिमा, क्योंकि होगा क्या, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ क्या है, पांचवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ क्या है, या सेवंथ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या है, या एट्थ मिनिमा की डिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या है, या नाइन्थ मिनिमा का डिस्टेंस बताओ क्या है। कहां से, पहली चीज पूछोगे कहां से। तो इस एक्सपेरिमेंट में रूल नंबर वन, आप जब भी YDSC का न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका पहला रूल ये है कि जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी डिस्टेंस है इनके बीच में। तो पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सेंटर है, इसका सेंटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी ये पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा सी, ये रेफरेंस पॉइंट है। जब मैं बोलता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मुझे सेवंथ मैक्सिमा का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो आप मुझे डिस्टेंस कहां से निकाल के दोगे, फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी एक रेफरेंस पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। यहां तक दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय छोटा डी, और स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा बाय कैपिटल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी, राइट, क्लियर है यहां तक, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अब इसमें सेवंथ मैक्सिमा हो या सिक्स्थ या एट्थ मिनिमा हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्वेश्चन क्या आएगा, मैं जो भी पूछूंगा वो डिस्टेंस यहां से मेजर किए जाएंगे। तो ये थ्योरी या न्यूमेरिकल जो हम करेंगे या जो भी फॉर्मूला आज हम डराइव करेंगे, उसमें ये फॉर्मूलाज डराइव करेंगे, सेवंथ मैक्सिमा, एट्थ मैक्सिमा, मैक्सिमा के डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, मिनिमा के डिस्टेंस कैसे निकलेंगे। एक दूसरा, जब यहाँ पर बैंड बनेंगे या फ्रिंजेस बनेंगी, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, उसकी कोई विड्थ होगी, विड्थ होगी, वो विड्थ क्या होगी ये टॉपिक आपको बताएगा। तो दो टॉपिक हैं इसमें, पहला डिस्टेंस क्या होगा ब्राइट और डार्क का, और दूसरा फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो दो चीज़ें निकालनी है। अब इसके अंदर रूल नंबर वन, इस टॉपिक को करने से पहले आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए इसमें कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है, ठीक, ये हमने किया भी था लास्ट टाइम, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है यानी कि ब्राइटनेस का पॉइंट ढूंढना है, तो पाथ डिफरेंस दो वेव्स में क्या होगा बताओ, एन लैम्डा, एन लैम्डा, कहीं पर भी एन लैम्डा होगा तो वहां पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और यह भी किया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या किया था, 2n-1 × λ/2। तो इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, दो वेव में 2n-1 × λ/2। कोई डाउट इसमें, ठीक, याद रहेगा यहां तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, इसको यूज करने वाला हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बुकलेट में लास्ट टाइम ये लिखवाया भी था, ठीक। तो अब शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले दो स्लिट्स हैं, इनके बीच में दूरी क्या है, छोटा डी, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। ये लाइंस से जरूर ड्रॉ किया, एक्चुअल में ये दो वेव्स हैं, तो वेव ने जो पाथ कवर किया ये कितना पाथ कवर किया, एपी, और ये वाला वेव ने कितना पाथ कवर किया, बीपी, एपी बीपी। तो अगर मैं ये बोलूं
इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो बीपी में से क्या माइनस करोगे एपी, तो क्या आएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर ये जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बीपी माइनस एपी। अब पी पॉइंट पर ब्राइटनेस होगी या डार्कनेस होगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो कैसे पता लगेगा। तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर आप पाथ डिफरेंस निकाल लें, अगर ये पाथ डिफरेंस क्या आता है एन लैम्डा, तो कौन सी इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव, और अगर ये पाथ डिफरेंस क्या आता है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो कौन सी इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, और पाथ डिफरेंस मैंने आपको याद करवा दिया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो बीपी माइनस क्या होगी एपी। अब इसमें बीपी और एपी निकलेगा कैसे, इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक काम करो, बीपी निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, बीपी क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल डी, प्लस ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस सेंटर सी से मेजर किए जाते हैं, सी से मान लो पी पॉइंट की दूरी क्या है एक्स, तो अगर ये एक्स है और ये कितना है स्मॉल डी, तो आधा कितना है स्मॉल डी बाई टू, आधा कितना है स्मॉल डी बाई टू, अगर ये स्मॉल डी बाई टू तो ये भी कितना है स्मॉल डी बाई टू, तो ये कितना है एक्स, ये कितना है स्मॉल डी बाई टू, तो बीपी क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस लगा के आपने बीपी निकाल लिया। वैसे अगर मैं ये पूछूं कि बताओ एपी क्या है, तो एपी निकालने के लिए अलग पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, कैसे, अब आप राइट एंगल ट्राइंगल ये लेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो पता ही है डी है, तो डी का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस ये एक्स है और आधा डिस्टेंस कितना है ये डी बाई टू, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। राइट, क्लियर है, तो एपी और बीपी आ जाएगा यहां से। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, ये आपने डायग्राम बनाना है पेपर में जब आएगा, फिर आपने ये बताना है कि बीपी की वैल्यू अपने पाइथागोरस से ये निकाल ली अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यहां से अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंडर रूट में से कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो कैपिटल डी स्क्वायर का अंडर रूट क्या है डी, तो डी बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा वन, और यहां पर कैपिटल डी स्क्वायर था नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल डी स्क्वायर के साथ। तो मैथ्स का स्टेप है, इस पूरे में से कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन निकाला, ये वन हो गया, और इसको डिवाइड कर दिया भाई कैपिटल डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का अंडर रूट इज डी, ये रहा, तो ये टर्म आ गई। अब लास्ट स्टेप है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेट इसलिए क्योंकि ये स्लिट का एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा नहीं है, डिस्टेंसेज बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट है ये, mm के अंदर डिस्टेंस है, नैनोमीटर mm, मीटर मोटर कुछ नहीं है ये, तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे बाइनोमियल लगाएंगे इसमें, बाइनोमियल के लिए क्या करना पड़ता है इस हाफ को इससे क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो हाफ और ये मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बीपी आ गया। सिमिलरली आपने पाइथागोरस से एपी लिखा, अंडर रूट लिखा, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कैपिटल डी स्क्वायर नीचे आ गया, हाफ इधर आ गया, हाफ नीचे आ गया, तो क्या आ गया एपी आ गया, बीपी आ गया, एपी आ गया, पाथ डिफरेंस क्या होता है बीपी माइनस एपी, आप इन्हें माइनस करें, बीपी पता है एपी पता है, कैपिटल डी कॉमन आ गया, टू डी स्क्वायर एलसीएम आ गया, जब आप टू डी स्क्वायर से एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, वन से वन कैंसिल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, सॉल्व करके आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। फॉर्मूला बुकलेट ओपन करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि YDSC में आप ये डायग्राम बनाएं कि अगर आपके पास ये रहा आपके पास B, ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास P, तो लिखें कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू BP माइनस AP की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस अगर X है तो X छोटा d बाय बड़ा d होगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, इसको मैं कहीं कहीं यूज करूंगा, x छोटा d बाय बड़ा d पाथ डिफरेंस है, क्लियर है, लिख लें फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बुक्स में लिखा नहीं होता पर ये काम की चीज है बड़ी, x स्मॉल d बाय कैपिटल d।
सिस्टम में ये नहीं नोट करना है, तो डेरिवेशन में करेंगे हम, ये नहीं चाहिए मुझे, बस ये चाहिए एक्स मॉल डी बाई कैपिटल डी बस, ठीक है। तो वो पाइथागोरस लगा के जरूरत नहीं है, बस एक्स मॉल डी बाई कैपिटल डी नोट कर लो, कर लो, हाँ ठीक है, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो पाथ डिफरेंस एक्स मॉल डी बाई कैपिटल डी है, अब बताओ पाथ डिफरेंस जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, एन लैम्डा किया था, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या है एक्स पी बाई डी, और वो अगर एन लैम्डा है तो वहाँ मैक्सिमा की कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स आएगा। अब इसमें एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पर पुट करेंगे, अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक्स क्या आएगा यहाँ पर 0, 1 पुट करेंगे लैम्डा डी बाई डी तो 0 अगर पुट करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, वो सेंटर का पॉइंट होगा, और सेंटर के पॉइंट पर क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंटर के पॉइंट पे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वहां पर आएगी सेंटर की ब्राइट फ्रिंज है। तो ऐसे वन पुट करेंगे पहली ब्राइट फ्रिंज आएगी, सेंटर के ऊपर जो आएगी पहली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस या दूरी क्या होगी, वन पुट करेंगे मेरी, तो मैं आपको न्यूमेरिकल में पूछूंगा पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ क्या है सेंटर से, आप बोलोगे एन की वैल्यू 1 लैम्डा डी बाई डी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या है तो एम की वैल्यू 2 सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तीसरी का क्या है एन की वैल्यू 3 और nth की क्या है ये रहा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो YDSC में, फॉर्मूला बुक में इंपॉर्टेंट है, इन YDSC डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर सी, ये रहा, ये फॉर्मूला नोट करो, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर सी, ये फॉर्मूला नोट करो। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, तो अब पेपर में आ जाए 13th ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ, एन की जगह 13 पुट कर दो आंसर, लैम्डा डी और डी तो गिवन ही होंगे, आंसर आ जाएगा 15th ब्राइट फ्रिंज 15 पुट कर दो आंसर, तो एक फॉर्मूला। नेक्स्ट उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्कनेस कहाँ पर होगी, डार्कनेस तब होगी जब आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा 2n-1 × λ/2, तो यहाँ से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 ना पुट करना, 1 से स्टार्ट होता है क्योंकि 0 पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पे कभी डार्कनेस नहीं होती, सेंटर में हमेशा ब्राइटनेस होती है, तो एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके पास 1 पुट करें तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की दूरी आ गई, ऐसी पूछूंगा सेकेंड डार्क फ्रिंज की दूरी क्या है 2 पुट कर लेना, ये आ गई 3 क्या है, थर्ड डार्क फ्रिंज 3 पुट कर लेना, और nth डार्क फ्रिंज ये पुट करना, तो आप फॉर्मूला नोट करें इन YDSC दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो ये लिखें डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज 2n-1 × λ/2d। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आ गई, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ, उसकी चौड़ाई क्या होगी फ्रिंजेस की, ध्यान से देखना, अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो देखो लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, लॉजिक ये यूज़ करेंगे कि आपके पास अगर एक स्क्रीन है, ये लो ये आपके पास स्क्रीन है, ये दो स्लिट्स हैं, ये लो ये सेंटर सी पॉइंट है, तो अगर मैं ये पूछूं कि nth मैं क्या निकालना चाहता हूं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बीटा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, क्या होगी
पहले डार्क की, फिर मैं किसकी निकालूंगा, ब्राइट की। देखो एक काम करते हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए इस रिजल्ट पे वापस चेक करो जो ऊपर हमने प्रोड्यूस किए, कि पहला मैक्सिमा कहाँ जनरेट होगा, सेंटर पॉइंट पर। ना सेंटर पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, इसकी नंबरिंग नहीं होती, यानी कि जीरो का पॉइंट है। फिर पहला मैक्सिमा इतनी दूरी पे, दूसरा इतनी दूरी पे, तीसरा इतनी दूरी पे, और ऐसे ही मिनिमा में पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन। तो अगर हम इसे प्लॉट करें, अगर इन डिस्टेंसेस को हम प्लॉट करें, तो देखो प्लॉटिंग कैसे आएगी। प्लॉटिंग ध्यान से देखना, सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर क्या है, सेंट्रल ब्राइटनेस है। फिर उसके बाद पहली ब्राइटनेस की दूरी चेक करना क्या है, पहली ब्राइटनेस कितने डिस्टेंस पे है, लैम्डा डी बाय डी पे है, चेक करो यही है पॉइंट। तो ये भी ब्राइटनेस की दूरी है, ये डिस्टेंस यानी कि लैम्डा डी बाय डी है सेंटर से। फिर नेक्स्ट ब्राइटनेस कहाँ पर है, 2 लैम्डा डी बाय डी पे ब्राइटनेस है। और अगर मिनिमा की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव है, तो पहला डिस्ट्रक्टिव की दूरी देखो क्या है, पहली डिस्ट्रक्टिव की दूरी है लैम्डा डी बाय 2D। नेक्स्ट कितनी आ रही है, 3/2 लैम्डा डी बाय 2D। नेक्स्ट कहाँ पर आएगी, 5/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ऐसे आएगी। तो चेक करने वाली बात यह है कि ब्राइटनेस के बाद क्या आ रही है, डार्कनेस, फिर क्या आ रही है, ब्राइटनेस, फिर क्या आ रही है, डार्कनेस, फिर क्या आ रही है, ब्राइटनेस, फिर क्या आ रही है, डार्कनेस। तो ये प्रूव है कि आपके जो फ्रिंजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव बनती हैं, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस। और मैंने फोटो में भी दिखाया था स्नैप में लास्ट टाइम, ऑल्टरनेटिव पैटर्न बनते हैं, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव हो गया ऑल्टरनेटिव कैसे बनते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे विड्थ निकालनी है कि डार्कनेस की विड्थ क्या होगी। देखो डार्कनेस की विड्थ के लिए हमने क्या किया, ये स्लिट है और ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है। तो डार्कनेस की दूरी के लिए हमने डिस्टेंस कंसिडर किया, कौन सा, एनथ ब्राइटनेस का, ठीक है, एनथ ब्राइटनेस का। एनथ ब्राइटनेस की दूरी क्या होती है, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये पूरा डिस्टेंस एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। नेक्स्ट इसके बाद हमने एक पहले का मतलब एन माइनस वनथ ब्राइटनेस, तो एन माइनस वनथ का मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, एन माइनस वन लैम्डा डी बाय डी, ये डिस्टेंस आएगा। और मुझे पता है कि दो ब्राइटनेस के बीच में क्या आने वाली है, डार्कनेस। तो अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दूं, ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस को, तो फिर मेरे पास विड्थ किसकी आ जाएगी, डार्कनेस की। तो यही रूल लगाया है, तो आपको ये प्रूव करने को आएगा, तो आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, किसकी विड्थ निकाल रहे हो, डार्कनेस की, ये लिखो इसके ऊपर बुकलेट में, किसकी विड्थ है, डार्कनेस की। डार्कनेस की विड्थ निकालने के लिए एनथ क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ब्राइटनेस का, ये क्या है, एनथ ब्राइटनेस है, और ये क्या है, एन माइनस वनथ ब्राइटनेस है, ऐसे ब्राइटनेस है। तो एनथ और एन माइनस वनथ ब्राइटनेस को माइनस करेंगे तो विड्थ क्या आएगी, डार्कनेस की। तो ये एनथ और एन माइनस वनथ ब्राइटनेस, तो ये विड्थ आ गई डार्कनेस की। तो दिस इज विड्थ ऑफ डार्कनेस, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक। हेडिंग डाल लेना, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे एक्स क्या चीज है, ब्राइटनेस के पॉइंट को माइनस करके डार्कनेस की विड्थ आएगी। और ऐसे ही अगर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो ये विड्थ किसकी निकाल रहे हैं, ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस की, तो ये क्या लेंगे, एनथ डार्कनेस, एनथ डार्क डिस्टेंस, ये क्या लेंगे, एन माइनस वनथ डार्कनेस, दोनों को माइनस करेंगे, एनथ डार्कनेस का ये फॉर्मूला करवाया था। इसे पहले वाले के लिए क्या करेंगे, एन की जगह रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन, इसे माइनस करेंगे तो आंसर इसका भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो लेके आप थ्योरी की बुकलेट में, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा होता है, चाहे वो डार्क फ्रिंज है चाहे वो ब्राइट फ्रिंज है, बीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा सभी फ्रिंजेस के लिए। तो ये प्रूफ करने को आएगा पेपर में, और अगली बार टेस्ट में भी आएगा, जो मैं लूंगा बताऊंगा टेस्ट के अगली बार।
तो इसमें ये आपके एग्जाम में आएगा, विड्थ निकालने को आएगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सेम होती है।